गाइस, क्या हाल चाल। आई होप सभी के सभी बच्चे जो होंगे बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इस चैनल पे जो बच्चे नए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक ना। तो पिछले दिन हमने बात किया था बच्चा ब्लैक होल के बारे में, बात किया था जो एक दुनिया के सामने एक रहस्यमयी बातें हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि ब्लैक होल है क्या अक्सर, ठीक ना। किसी ने कुछ नहीं देखा है कि ब्लैक होल क्या है, पर हमें ये ज़रूर पता है कि ब्लैक होल के पास अगर कोई चीज़ जाती है तो वो अपनी ओर उस चीज़ को खींच लेता है। यानी कि इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि ब्लैक होल में जो ग्रेविटी होगी बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। तो उसके आगे ही हम आज जो है अपनी बातों को करेंगे, ठीक है ना बच्चा। तो आप लोगों को लिखना है आज, क्या लिखना है, कॉस्मिक, क्या लिखना है बच्चा, कॉस्मिक ईयर, कॉस्मिक, क्या लिखना है बच्चा, कॉस्मिक ईयर, ठीक है। सभी बच्चे, जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करना है, ठीक ना। सभी बच्चों को पहले वीडियोस को लाइक करना है और कमेंट में बताना है आप लोगों को वीडियोस कैसी लगी, ठीक ना। और जो बच्चे नए हैं उसको सपोर्ट भी करना है, पुराने बच्चे ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं और न्यू बच्चे को भी सपोर्ट करना है ताकि हमारी जो फैमिली है वो बढ़ सके और उस जो अचीवमेंट है उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके, ताकि हम आप लोगों के लिए यूट्यूब पर लाइव पढ़ा सकें, ठीक ना। क्योंकि लाइव पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है, यस और नो है, मज़ा ही कुछ और है, ठीक ना। जिसको हम लोग गांगे वर्ष कहा जाता है, क्या कहा जाएगा बच्चा, गांगे वर्ष, ठीक है, क्या कहा जाएगा, गांगे वर्ष। तो गांगे वर्ष होता क्या है बच्चा, समझिएगा। ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, ये मैंने अपनी गैलेक्सी बताई थी, ये क्या था, ब्लैक होल था। तो गांगे वर्ष यानी कि कॉस्मिक ईयर क्या होता है बच्चा, कि जो सूर्य है वो इस ब्लैक होल यानी गैलेक्टिक पोजीशन के चारों ओर घूमने में जितना समय लगाता है, यानी कि सूर्य द्वारा इस आकाश गंगा का एक चक्कर को पूरा करने में जितना समय लगता है उसी को कॉस्मिक ईयर या गांगे वर्ष कहा जाता है, ठीक ना। तो सभी बच्चे नोट करेंगे, वन रेवोल्यूशन कंप्लीटेड, वन रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय सन अराउंड द गैलेक्टिक पोजिशन, अराउंड द गैलेक्टिक सेंटर, ठीक ना। वन रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय सन अराउंड द गैलेक्टिक सेंटर, यानी कि सूर्य द्वारा पूरी आकाश गंगा का एक चक्कर को पूरा करने को क्या कहा जाता है, कॉस्मिक ईयर यानी कि गांगे वर्ष कहा जाता है, ठीक ना। तो आप लिखेंगे सूर्य द्वारा पूरी आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने समय को गांगे वर्ष कहा जाता है। आप लोगों को तो ये तो पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, यानी कि सूर्य के गोल गोल घूम रही है, ठीक ना। पर जो सन है, सूर्य है, वो भी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर, मतलब कि चक्कर लगा रही है, ठीक ना, क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। और जब एक चक्कर पूरा करती है सूर्य हमारी आकाश गंगा का, उसी को कॉस्मिक ईयर यानी कि गांगे वर्ष
कहा जाता है, यानी कि वन रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाई सन अराउंड द गैलेक्टिक सेंटर, यानी कि सूर्य द्वारा पूरी आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने के समय को गांगे वर्ष कहा जाता है। ठीक ना, ये कितना होता है बच्चा, 25 मिलियन ईयर, 2500 मिलियन ईयर। ठीक ना, अगर इसको आप लोग या इसको हम लोग 25 करोड़ साल, यानी कि पूरी आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा कितने समय में करता है, हमारा जो सूर्य है, हमारा जो सन है, पूरी आकाश गंगा का एक चक्कर यानी कि हमारी गैलेक्सी का एक चक्कर बच्चा 25 करोड़ साल में पूरा करता है। कितना साल में, 25 करोड़ साल में पूरी गैलेक्सी का एक चक्कर पूरा करता है। सोच लीजिए कितना ज़्यादा समय लगता है। सभी बच्चे क्या करेंगे, इस वीडियो को पॉज करेंगे और नोट करेंगे। ठीक ना, सभी बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे और नोट करेंगे। ठीक ना, चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को लाइट ईयर के बारे में बता देता हूं, कई बच्चों को पता नहीं होगा, बता देता हूं लाइट ईयर प्रकाश वर्ष क्या होता है, जिसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चा, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, ठीक ना, प्रकाश वर्ष क्या है बच्चा, ये एक यूनिट है। ठीक ना, ये एक दूरी मापने की यूनिट है, यानी कि जितने भी ब्रह्मांड में दूर दूर जो चीजें स्थित हैं उनकी जो दूरी मापने के लिए इस यूनिट का, इस लाइट ईयर का प्रयोग किया गया है। तो क्या क्या लिखेंगे, यह दूरी मापने की इकाई है, यह दूरी मापने की इकाई है, दूर दूर चीजों की दूरी दूरी मापने की इकाई है। ठीक ना, दूर दूर चीजों की दूरी मापने की इकाई है। इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अगर मैं पूछूं कि एक लाइट ईयर यानी कि एक साल में कितना दूरी तय करता है, यानी कि सिंपली मैं बात करूं एक लाइट ईयर होता है क्या है, इसके बारे में बताऊंगा कि एक लाइट ईयर क्या होता है। अभी तो मैंने ये बताया है कि लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी मापने की इकाई। अगर मैंने कहा कि ये जो मार्कर है इसका मुझे लेंथ बताओ कितना है, तो मैंने पूछा आप लोगों को कि इसका मुझे किलोमीटर में लेंथ बताओ, आपको क्या बकवास बात कर रहे हो सर, सेंटीमीटर में नाप लो ना सर, क्या मीटर में, क्या किलोमीटर में नापड़े। ठीक उसी प्रकार से लाइट ईयर जो होता है बहुत ब्रह्मांड में जो दूर दूर चीजें उपस्थित हैं उसको मापने के लिए होता है। ये नहीं कही है कि दो ग्रहों के बीच में अगर दूरी मापनी है तो इसका प्रयोग करेंगे, नहीं, दो ग्रहों के बीच में अगर दूरी मापनी है तो किलोमीटर का यूज करेंगे। ठीक ना, जहां पर जो यूज करना है वहीं पर करेंगे, और अगर वहां पर ये नहीं करेंगे, अगर मैं मान लूं आप सभी से पूछता हूं कि मुझे ये बात बताइए दो ग्रहों के बीच में कितनी सेंटीमीटर की दूरी है, तो आप लोग ये क्या बकवास कर रहे हो सर, आप सेंटीमीटर क्यों पूछ रहे हो, आप किलोमीटर में ना नाप लो। तो ठीक उसी प्रकार से बच्चा प्रकाश वर्ष एक यूनिट है जो ब्रह्मांड में जितनी भी दूर दूर चीजें हैं स्टार्स को नापने के लिए कि कितना डिस्टेंस पे है, इस चीजों को नापने के लिए क्या होता है, लाइट ईयर का प्रयोग किया जाता है। एक लाइट ईयर बच्चा किसके बराबर होता है, 4. इस वैल्यू को आपको याद रखना है, 4.46 × 10^15 मीटर, एक लाइट ईयर बराबर इतना होता है। और वो लाइट ईयर होता क्या है उसके बारे में बताता हूँ। ठीक ना, लाइट ईयर होता है क्या उसके बारे में बताता हूँ। वन लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष वन लाइट ईयर होता है क्या है आप लोगों को देखना है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में प्रकाश, देखो लाइट ईयर, एक लाइट ईयर क्या होता है प्रकाश, देखो लाइट ईयर होता है क्या समझिएगा जरा, प्रकाश द्वारा लाइट द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है ना उसी को कहा जाता है वन लाइट ईयर। प्रकाश द्वारा एक साल में जितनी दूरी तय की जाती है उसी को कहा जाता है वन लाइट ईयर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में
एक वर्ष में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में की गई प्रकाश द्वारा एक वर्ष में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष कहलाती है, कह सकते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहलाती है। की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष कहलाती है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट आप लोग लिख लीजिएगा, यहीं पर लिख लीजिए, नहीं तो ऊपर मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। ऊपर लिख देता हूँ, इसका नोट कर करके लिखना है, कॉपी पे लिखते रहना, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वन ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वन ईयर, एक साल में जितना लाइट ट्रेवल करता है, एक साल में जितना दूरी लाइट तय करता है, प्रकाश दूरी तय करता है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ लाइट इन वन ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर, इसी को क्या कहा जाएगा, लाइट ईयर। इन वन ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर, इसी को क्या कहा जाएगा, लाइट ईयर, ठीक है बच्चे। इसी को क्या कहा जाएगा, लाइट ईयर। देखो अब बात करेंगे चंद्रशेखर लिमिट का, ठीक है ना। आप देखते हैं बच्चा चंद्रशेखर लिमिट किसके बारे में, चंद्रशेखर लिमिट। आई होप आप सभी में से कई बच्चे जो होंगे इस टॉपिक को सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, ठीक ना। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए गया चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट, ठीक ना। चंद्रशेखर लिमिट सांगा कहा जाता है इसे, ठीक ना। चंद्रशेखर लिमिट, ठीक ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं बच्चा, ये एक ऐसा कंसेप्ट है और ये इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा ही दिया गया है। चंद्रशेखर लिमिट जो है इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा ही दिया गया है 1983 में, जब भारत पहला वर्ल्ड कप जीता था। और मैं आप लोगों को बता दूं बच्चा, सॉरी 1983 में नहीं दिया गया था, 1983 में इनको नोबल पुरस्कार दिया गया था, ठीक ना। इस लिमिट को खोजने के लिए सुनिए, एक बात को फोकस करिए, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिनके लिए चंद्रशेखर जी को, हमारे इंडिया के साइंटिस्ट को नोबल प्राइज दिया गया था। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा कंसेप्ट के बारे में उन्होंने जानकारी दिया है, और ये बिल्कुल सत्य है। क्या होता था, एक बहुत ही बड़ा ब्रह्मांड में एक प्रश्न बना हुआ था। प्रश्न क्या बना हुआ था कि अगर कोई तारा या कोई सूर्य, कोई भी तारा या हमारा सूर्य है, अगर ये टूटा, कोई तारा टूटा तो वो क्या बनता है। सभी साइंटिस्ट क्या कहते थे कि अगर तारा टूटेगा तो वो बौना तारा बनेगा। क्या बनेगा, बौना तारा बनेगा। क्या बनेगा, अगर कोई भी तारा टूटता है तो वो बौना तारा बनेगा, बौना ग्रह नहीं। आप लोगों को फोकस करना होगा थोड़ा सा, कोई भी अगर तारा टूटता है तो वो बौना तारा बनेगा। सभी जो जितने भी साइंटिस्ट थे दुनिया के, वो कहते थे कि अगर तारा टूटेगा तो बौना तारा बनेगा। पर इंडिया के साइंटिस्ट चंद्रशेखर जी ने, हम इंडिया के साइंटिस्ट जब लेते हैं ना तो दिल में कुछ होता है कि नहीं, हमारे साइंटिस्ट भी जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही कारगर हैं, ठीक ना। हमारे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, ठीक ना, भारत जैसा कोई नहीं, ठीक ना। तो जो चंद्रशेखर लिमिट है एक ऐसा लिमिट है जिसके द्वारा ये बताया गया कि अगर कोई तारा टूटता है या सूर्य खत्म होता है तो बौना तारा या बौना ग्रह नहीं बनेगा। ये ब्लैक होल भी बन सकता है, न्यूट्रॉन भी बन सकता है और बौना तारा भी बन सकता है, तीनों की संभावना है। और कब कौन बनेगा वो यहां पर मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा, ठीक ना, ठीक है। तो पहले आप लोगों को लिख लीजिए, ठीक ना, जो मैं बता रहा हूं लिख लीजिए, फिर उसके बाद एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा चंद्रशेखर लिमिट है क्या।
समझिएगा तो मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक ना। तो जो भी है इंग्लिश हिंदी हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो लिखेंगे 1.4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स ऑफ टोटल मास ऑफ ऑफ टोटल मास 1.4 टाइम्स ऑफ टोटल मास ऑफ सन इज कॉल्ड चंद्रशेखर लिमिट। समझिएगा बात को, क्या कह रहा है कि 1.4 टाइम्स ऑफ टोटल मास ऑफ सन इज कॉल्ड चंद्रशेखर लिमिट। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, सूर्य के द्रव्यमान का ठीक ना, द्रव्यमान यानी कि मास का 1.44 गुना चंद्रशेखर सांगा कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स ने, ये इंडिया के साइंटिस्ट ने दिया है और इंडिया के लोगों को ही नहीं पता है कि हमारे वैज्ञानिक ने क्या दिया है। और इतना बड़ा इन्होंने खोज किया है कि जैसा मैं आप लोगों को बताया था कि इनको साल 1983 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इतना बड़ा इन्होंने खोज किया था, पूरा दुनिया को हिला कर रख दिया था अकेले, जहां पूरा दुनिया ये बोलता था कि अगर कोई तारा टूटेगा तो बौना तारा बनेगा, पर एक ऐसे इंसान है जिन्होंने बोला, पूरा थ्योरी को ही गलत साबित कर दिया उन्होंने। इन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग जो हैं वो सही नहीं बोल रहे हैं, सही ये होगा जो अभी मैं बताने वाला हूं। तो हमें अपने आप पर गर्व करना चाहिए। आगे देखते हैं, ठीक ना, आगे देखते हैं कि चंद्रशेखर लिमिट यानी कि 1.44 जो लिमिट अप्रॉक्स वैल्यू उन्होंने दी हुई है वो है क्या एग्जैक्टली। तो देखिए, और वो जो वैल्यू है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम किसी भी स्टार या सन को जज कर सकते हैं कि जब सन खत्म होगा या टूटेगा तो वो क्या बनेगा, बौना तारा बनेगा, ब्लैक होल बनेगा, या और तीसरा की चीज़ क्या था, या न्यूट्रॉन बनेगा, ठीक ना। तो हमने क्या किया, हमने एक लेट किया कि 100 केजी हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कि जो सन जब टूटेगा तो वो क्या बनेगा, जब सन जब टूटेगा वो तो क्या बनेगा। तो हमने 100 केजी, समझिएगा जरा, हमने 100 केजी सन का भार माना, ठीक ना, और चंद्रशेखर लिमिट कितना था 1.44। जब इसे सॉल्व करोगे तो तो 100 × 1.44, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अपॉन 100 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट। तो जब इसको पॉइंट हटेगा तो बटा में कितना जाएगा, 2 जीरो जाएगा। तो इसको इससे काट दो, कितना वैल्यू आया, 144 आया। कितना है, 144। ये जो हमारे पास नंबर आया 144, यही निर्धारित करेगा कि अगर सूर्य टूटा या कोई चंद्रमा टूटेगा तो वो क्या बनेगा, ठीक ना। अगर किसी भी, समझिएगा बता, अगर किसी भी तारे का भार, किसी भी स्टार का भार इस 144 केजी से अगर कम हुआ, लेस हुआ यानी कि कम हुआ, तो वो जो है वो बनेगा ड्वार्फ स्टार। क्या बनेगा, ड्वार्फ स्टार यानी कि बौना तारा बनेगा। मैंने क्या कहा कि अगर किसी भी स्टार का भार 144 केजी से कम हुआ तो क्या बनेगा, ड्वार्फ स्टार यानी कि बौना तारा बनेगा। हमने लेट क्या किया था, 100 केजी किया था लेट, ठीक ना। अगर किसी भी तारे का अगर भार 144 से मोर हुआ यानी कि ज़्यादा हुआ, क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, तो वो बनेगा न्यूट्रॉन। क्या बनेगा, न्यूट्रॉन, बताता हूँ, न्यूट्रॉन पे भी प्रश्न को बनाया जाता है। क्या बनेगा, न्यूट्रॉन,
न्यूट्रॉन बनेगा, ठीक ना। अगर इस 144 के 3 गुना हुआ, अगर किसी भी स्टार का भार 144 के 3 गुना हुआ, ठीक ना, यानी कि 3 टाइम्स हुआ, यानी कि 3 गुना हुआ, तो वो जो स्टार है वो ख़त्म होने के बाद वो ब्लैक होल बनेगा। और ब्लैक होल एक दुनिया के सामने एक रहस्यमय चीज़ है, ठीक ना। जिसी को ब्लैक होल जो है बच्चा, दुनिया के सामने एक रहस्यमय चीज़ है, किसी को भी नहीं पता है कि ब्लैक होल है क्या, ठीक ना। पर हमें ये पता है कि जब ब्लैक होल के पास अगर कोई चीज़ वस्तु जाता है तो वो उसे अपनी ओर खींच लेता है, यानी कि उसमें अधिक ग्रेविटी है, बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है, ठीक ना। ब्लैक होल, ठीक ना, ब्लैक होल पेपर में भी आप लोगों को ऐसे ही देखने को मिल सकता है, ब्लैक होल ही हिंदी में भी मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ से आप लोगों को क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि अगर किसी तारे का भार अगर 144 केजी से कम हुआ तो वो डॉर्फ स्टार बनेगा, बौना तारा बनेगा। इससे ज़्यादा हुआ तो क्या बनेगा, न्यूट्रॉन बनेगा। और इससे 3 गुना हुआ तो वो उस केस में ब्लैक होल बनेगा, ठीक है। उस केस में क्या बनेगा, ब्लैक होल बनेगा। उस केस में क्या बनेगा, ब्लैक होल बनेगा। उस केस में क्या बनेगा, ब्लैक होल बनेगा। चलिए इसको कर देते हैं रब, और आगे जो पेपर में जो आपको प्रश्न पूछा जाएगा उसकी ओर बढ़ते हैं। ये जो न्यूट्रॉन जो है आप लोगों से ये पूछा जाता है, ठीक ना, इससे इसके अकॉर्डिंग प्रश्न बनाया जाता है। तो एक पॉइंट लिखिएगा, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार इज कॉल्ड पल्सर। ये बाइक का बात नहीं कर रहा, पल्सर जो आप लोग घूमते हो ना बाइक, उसका बात नहीं हो रहा है। जो रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है, जो घूमता हुआ न्यूट्रॉन स्टार है, जो घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा है, उसको पल्सर के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न को बनाया गया है, तो इसलिए ये पॉइंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा पूछेंगे कि न्यूट्रॉन घूमते हुए न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है, घूमते हुए न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है, यानी कि रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार इज कॉल्ड क्या कहेंगे, पल्सर, ठीक ना। आप लोग हिंदी वाले लिख लीजिएगा, घूमते हुए न्यूट्रॉन, घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पल्सर कहा जाता है, कहा जाता है पल्सर कहा जाता है, ठीक ना। क्या कहा जाता है, पल्सर कहा जाता है। और इस चंद्रशेखर लिमिट से और कौन कौन से क्वेश्चंस बनाएगा, ठीक ना, इसको देखिए। तो अगर पूछा जाए आप सभी से कि ब्लैक होल का खोज किसके द्वारा किया गया, तो वो भी चंद्रशेखर के द्वारा ही खोजा गया था, ठीक ना, चंद्रशेखर के द्वारा ही खोजा गया था। ब्लैक होल थ्योरी अगर कह सकते हो, ब्लैक होल, सीधा सीधा प्रश्न रहेगा कि ब्लैक होल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया या खोजा गया। ब्लैक होल थ्योरी वाज गिवन बाय चंद्रशेखर, ठीक ना, चंद्रशेखर। ब्लैक होल को क्रिश्चियन विवर भी कहा जाता है। अगर ज़्यादा स्मार्ट बनने का कोशिश किया एग्जामिनर, तो ब्लैक होल ना देगा, क्रिश्चियन विवर भी कहा जा सकता है, ठीक ना, ज़्यादातर ब्लैक होल भी देगा, ठीक ना। तो ब्लैक होल सिद्धांत चंद्रशेखर द्वारा दिया गया, इसको आप लोगों को नोट करना है, ठीक ना, चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया, ठीक ना, चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया, चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया, ठीक ना, सभी बच्चे को नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। आई होप सभी बच्चे जो हैं कॉपी बनाएंगे और नोट करते चलेंगे, ठीक ना।
ठीक है बच्चे, अगर आपसे एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेगा कि सन जब खत्म होगा, सन जब खत्म होगा तो क्या बनेगा, सन जब खत्म होगा तो क्या बनेगा, तो आप लोगों को कहना है कि सन जब खत्म होगा तो क्या बनेगा, बौना तारा बनेगा, क्योंकि हमने सन का मास कितना अज्यूम किया था, 100, और 100 को 144 से मल्टीप्लाई करने पे 144 आ रहा था, यानी कि जो 100 मास लिए हैं ये सन का मास लिए थे ना 100, यानी कि ये सन का मास लिए थे ना 100, तो ये जो सन का मास 144 है, सन का मास कितना लिए थे हम लोग 100 kg, और चंद्रशेखर लिमिट कितना था 1.44, अगर इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो ये लिमिट आ रही थी इस पे ही डिपेंड करता था कि कौन बौना स्टार बनेगा, ब्लैक होल कौन बनेगा और न्यूट्रॉन कौन बनेगा, ठीक ना। तो ये जो है 144 जो है, सॉरी ये जो 100 है 144 से कम है कि ज़्यादा, तो 100 कम है, इसलिए अगर कम है यानी कि इससे लेस है तो क्या बनेगा, सूर्य जब खत्म होगा तो वो बौना तारा बनेगा, ठीक ना। तो बच्चा आज के लिए इतना ही रखते, अगला जो हमारा है ना कल से हम सोलर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, और जो कल से स्टार्ट करेंगे ये तो है, ये जो आप लोग पढ़ लोगे तो इससे भी प्रश्न बनाने की संभावना है, पर जो कल का टॉपिक आएगा उससे 99% क्वेश्चंस वहीं से पूछा जाएगा, सोलर सिस्टम से ही पूछा जाएगा, ठीक ना। तो तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, ठीक ना। हम जो है बच्चा टोटल लर्निंग जो फैमिली है इसको आप लोगों को सपोर्ट करना है, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और टोटल लर्निंग को भी सब्सक्राइब करना है, हमारा एक अल्टरनेट चैनल है, ठीक ना। वहाँ पर भी जो है कराया जाता है क्वेश्चंस, और तमाम तरह की जो है आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक ना, और हमें जो है जल्द से जल्द जो है 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है, ताकि हम जो है मैं हूँ आपके साथ लाइव बन सकूँ, ठीक ना, और लाइव आपके साथ रूबरू होकर इस चीज़ों को पढ़ा सकूँ, ठीक ना, क्योंकि लाइव पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है, वहाँ पर जो जितनी भी प्रकार की क्यूरी होगी, आप लोगों की कन्फ्यूज़न होगी, लाइव दूर होगी, ठीक ना। तो तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड सभी को जय हिंद बच्चे।